नमस्कार दोस्तों, बीसी यानी बॉलीवुड चलोगे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना रोहित त्रिपाठी। हम बात करने जा रहे हैं एन एक्शन हीरो भेड़िया और दृश्यम 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों, बगैर किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं एन एक्शन हीरो की। जहां देखा जाए एन एक्शन हीरो ने मंडे के दिन जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया दोस्तों, वो किया था 80 लाख रुपये का। उस हिसाब से मंगलवार वाले दिन जो उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो कहता है कि वो करेंगे 50 से 60 लाख रुपए का कलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, जो कि मेरा आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा ये कहता है कि ये फिल्म 50 से 60 लाख रुपए ही कमा पाएगी। और ये फिल्म जो कि अब तक के वर्ल्ड वाइड 9 से 10 करोड़ रुपए कमा चुकी है, अब ये इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाएगा 10 से 10.5 करोड़ रुपए तक। जी हाँ दोस्तों, और देखा जाए तो ये मूवी के लिए कुछ खास नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था, ये मूवी एक तरीके से देखा जाए फ्लॉप मूवी साबित हो चुकी है। अब बात करते हैं इसी कड़ी में दूसरी मूवी भेड़िया की। जहां देखा जाए भेड़िया ने सोमवार वाले दिन 1 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, वहीं मंगलवार वाले दिन इसका जो आंकड़ा है वो 70 से 80 लाख रुपए का आंकड़ा है। और देखा जाए जहां इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 76 से 77 करोड़ रुपए का कर लिया है, अब वही इसका टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है 78 करोड़ रुपए लमसम। और देखा जाए तो ये मूवी अब एक तरीके से धीरे धीरे हिट से सुपर हिट की ओर बढ़ती दिख रही है दोस्तों। अब इसी कड़ी में बात करते हैं दृश्यम 2 की। दृश्यम 2 तो इस समय मानो जैसे कि बवाल ही मचाए पड़ी है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और मुझे नहीं लगता कि जब तक के कोई बड़ी फिल्म रिलीज़ नहीं होगी तब तक के दृश्यम 2 को कोई रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दृश्यम 2 ने सोमवार वाले दिन भी दोस्तों 3.5 से 4 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। अब जो मंगलवार को जो मेरा आंकड़ा है, मंगलवार वाले दिन भी वो 2 से 3 करोड़ रुपए तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है दोस्तों। और ये मूवी अब वर्ल्ड वाइड 280 प्लस जा चुकी है। अब ये मूवी बहुत ही जल्दी 300 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है और अजय देवगन की ये तीसरी चौथी सबसे बड़ी मूवी दोस्तों बनने वाली है। और देखा जाए तो जिस हिसाब से दृश्यम 2 ताबड़तोड़ कमाई कर रही, मुझे नहीं लगता भी ये 1.5 महीने से पहले कोई इसको टक्कर देने वाला है। हाँ, शायद ही अब रोहित शेट्टी की मूवी सर्कस कुछ कर पाए तो बात अलग के, लेकिन अभी फिलहाल दृश्यम 2 को कोई भी टक्कर देते भय नहीं दिख रहा है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हम आपसे अलविदा चाहते हैं। हम आपके लिए ऐसी वीडियो और लाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, बाय बाय।